सो गाइस सीन ऐसा है ना, जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं उसका फोकस सबसे पहले हमारे चेहरे पे आता है। लेकिन बेटा बाकी तो कह रहे थे कि जूतों पे आता है। या जूतों पर भी आता है, जूतों के बाद सबसे पहले चेहरे पे आता है और चेहरे के बाद आते हैं आपके फोकस में लिप्स, क्योंकि लिप्स ऐसी चीज़ है फेस की जो कि किसी से बात करते समय मूव होती है। लाइक इन दिस केस मेरे लिप्स भी मूव हो रहे हैं। अगर बात करते समय आपके लिप्स अगर थोड़े बेटर हैं, पिंक हैं, थोड़े से डार्क नहीं है, तो गाइस आपके तो बल्ले ही बल्ले। लेकिन जिनके लिप्स थोड़े से डार्क हैं उनको ये बात पता है कि डार्क लिप्स किसी से भी बात करते समय कितने एम्बेरसिंग हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने डार्क लिप्स को बेटर कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले लूँ, तो मैं आप फोन लगाने वाला हूँ अजय भाई को। हाँ अजय भाई। अरे भाई आपके लिप्स का राज तो बताइए। विमल बोलो जुबा केसरी। भाई के लिप्स का राज तो है जुबा केसरी, लेकिन हम स्टूडेंट्स होने के नाते ऐसा नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह है कि हम पिंक लिप्स को अचीव नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपके लिप्स बेटर होते जाएंगे। सो सबसे पहले आपको टिप नंबर 1 है कि मॉइस्चराइज योर लिप्स। आपके लिप्स कभी भी वीक नहीं होने चाहिए। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो आपके लिप्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फटने लगते हैं और साथ ही साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है। सो गाइस ऐसे लिप्स आपको नहीं चाहिए, आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है। ठंड हो तब भी, बरसात हो तब भी और गर्मी हो तब भी ना, मॉइस्चराइजर मैं रिकमेंड करूँगा। आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ती 10-20 रुपये में आ जाती है आपको। सो गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है एक स्क्रब करना। आज की वीडियो में मैं आपको वही स्क्रब रिकमेंड करने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक लाइम लेना है और थोड़ी सी शुगर। आपको लाइम को शुगर में ऐसे डिप करना है, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा वो, और यहाँ से आपको स्क्रब करना है अपने लिप्स पर। अब आप इसके लिप्स पर स्क्रब करिए। सो गाइज इसे आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, और याद रखिएगा जब भी आप इसे करें तो जो शुगर है आप उसको खा मत जाइएगा, क्योंकि गाइज यकीन मानिए मेरी भी आदत हो गई है, मैं बार बार उसे जैसे ही लिप्स पे आते हैं वो खा लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो गाइज स्टेप नंबर जो 2 है, आपको हफ्ते में कभी भी 2 बार आप जो कोकोनट ऑयल है उसको आप रात के समय ज़रा सा 1 बूंद लीजिएगा और आपने लिप्स पे जो अप्लाई कर दीजिएगा, और यकीन मानिए गाइज इससे आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा हद तक अंतर पड़ने वाला है। तो प्लीज़ गाइज इस स्टेप को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, इसे ज़रूर करिएगा, सबको आपको करना बहुत ज़रूरी है एक बेटर लिप्स अचीव करने के लिए। सो गाइज यही था आज की वीडियो के लिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले इस चैनल को रेश फैम गो 24। इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। पीस ऑफ। मैं हूँ ऋषि होशंगाबाद से।